Hey everyone, welcome to my channel. In today's video, I'm going to show you very simple eye makeup look with wing eyeliner. So, अगर आप beginner भी हो तो इस eye look को आप बहुत easily create कर सकते हो. Step by step इसको मैं create करके दिखाई हूँ. और जो भी product यहाँ पे मैं use की हूँ उसका link रहेगा description box में. So, वहाँ से आप checkout कर सकते हो. So, let's start with today's video. आई शेडो पैलेट के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिग्मा ब्यूटी का एनचैंटेड पैलेट. सो इसमें से जो ब्राउन शेडो है उसको मैं क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ एज माय ट्रांजिशन शेड. सो अगर आपको आई शेडो बेस अप्लाई करना नहीं आता है तो आप मेरे प्रीवियस कोई भी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैं इंक्लूड की हूँ. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूँगी. यहाँ पर मैं बेस क्रिएट करना नहीं दिखाई हूँ, ना ही आईब्रोज फिल इन करना. सो मैं यहाँ पर ब्राउन शेडो को अप्लाई कर रही हूँ एज माय ट्रांजिशन शेड विथ ए फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश. सॉफ्टली इसको ब्लेंड कर लूँगी. इसके बाद थोड़ा सा डार्कर ब्राउन शेडो को अप्लाई कर रही हूँ आउटर वी पे, एंड ऑल्सो इसको मैं क्रीज पे भी अप्लाई करूँगी विथ ए स्मॉलर ब्रश. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रिसीजन के साथ कलर को प्लेस कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा फैलाऊँगी नहीं कलर को, बट अगेन थोड़ा सा डेप्थ प्रोवाइड करूँगी क्रीज पे एंड आउटर वी पे. अगेन मैं फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ एज को थोड़ा सा सॉफ्टली ब्लेंड कर लूँगी. प्रीवियस शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा इससे. एंड इसके बाद मैं अप्लाई करूँ एक शिमरी शेड. सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक शेड है. ये इसमें बहुत फाइन ग्लिटर स्पेक्स है जो कि बहुत अच्छा लगता है. सो ये पिंक अंडरटोन शेडो है, लाइट पिंक अंडरटोन. सो आपके पास कोई भी पैलेट में इस टाइप का शेडो हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो. नॉट नेसेसरी सेम पैलेट को आपको यूज़ करना होगा. नेक्स्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा पर्पल अंडरटोन शेडो को अप्लाई कर रही हूँ. सेम इसमें भी थोड़ा सा स्पेक्स ऑफ ग्लिटर है जो कि बहुत अच्छा लगता है. सो उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ सेंटर लीड पे, और प्रीवियस जो शिमरी शेड अप्लाई की थी उसके साथ मिक्स करते हुए अप्लाई की हूँ. इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी आईलाइनर. फॉर दैट आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का आईलाइनर, पेन आईलाइनर. सो बहुत अच्छा है ये पेन आईलाइनर, आई लव दिस प्रोडक्ट. सो इसका अब से मैं विंग आईलाइनर अप्लाई करूँगी. सो प्रीवियसली मैं सोची मैं बहुत छोटू सा विंग आईलाइनर अप्लाई करूँगी, बट ये बनते बनते बहुत काफ़ी लॉन्ग विंग्ड आईलाइनर बन गया है. सो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो विंग आईलाइनर के साथ देन स्किप दिस पार्ट. इसके बिना भी आपके आई लुक बहुत अच्छा लगेगा. और अगर आपको आईलाइनर अच्छा लगता है देन गो फॉर दिस वन. आईलाइनर मुझे बहुत पसंद है. सो इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी काजल ऑन माय वाटर लाइन. सो मुझे काजल अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है. सो आप चाहो तो यहाँ पे ब्राउन या न्यूड काइंड ऑफ आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा जाएगा. एंड इसके बाद मैं सेम ब्राउन शेडो को अप्लाई कर रही हूँ लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज, थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए लोअर लैश लाइन को. एंड इनर कॉर्नर के साइड पे मैं अप्लाई करूँगी जो शिमरी शेड अप्लाई किए थे लीड पे, उसको अप्लाई की हूँ. इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई की हूँ, बट बाद में मुझे और थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर अप्लाई करूँगी. सो यहाँ पर मैं हाईलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन मास्टर क्रोम हाईलाइटर. आई एम इन द शेड मोल्टन गोल्ड. सो इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट की हूँ इसके साथ. इसके बाद मस्कारा के लिए यूज़ करूँ मेबलिन फॉल्सीज लैश लिफ्ट मस्कारा. अपर एंड लोअर लैशेस पे कोट कर लूँगी. वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारा. सो बहुत अच्छा मस्कारा है ये. एंड इसके बाद मैंने फोर्स आई लैशेस भी अप्लाई किया है. दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक. सो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये आई मेकअप. एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज़ फॉर मोर अपडेट. मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.